नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने खाकी वर्दी उतारकर खादी धारण करने के बाद तमिलनाडु की सियासत में भगवा क्रांति का संचार कर दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष और कोयंबटूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई हैं। जी हां, पुलिस की वर्दी उतारकर अन्नामलाई ने जब से माथे पर भगवा साफा बांधा है, तमिलनाडु की सियासत भगवा अंगड़ाई ले रही है। जिस तमिलनाडु में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, वहां अन्नामलाई की वजह से पार्टी 24 की जंग में डबल डिजिट में आने के सपने देख रही है। मानवता के इतिहास में ऐसे लोग विरला होते हैं जो जमे जमा इतिहास को बदलने का दमखम रखते हैं, और जिस युगांधर में इतिहास बदलने का मादा होता है वही नए इतिहास की इबारत लिखता है और वही कालांतर में इतिहास पुरुष बन जाता है। पेरियार के तमिलनाडु में एक ऐसा ही युगांधर आर्यन और द्रविड़ियन के बीच बनाई गई सैकड़ों साल पुरानी काल्पनिक खाई को पाटने के लिए भगवा साफा बांधकर सड़कों पर निकला है। फौलादी इच्छा शक्ति वाला अक्षय ऊर्जा से ओतप्रोत जब एन मन एन मक्कल यात्रा को रवाना किया तो खुद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पदयात्रा तमिलनाडु का सियासी मिजाज और मुस्तकबिल बदल कर रख देगी। रामेश्वरम से शुरू करके अन्नामलाई सूबे की सभी 234 विधानसभा सीटों पर गए, और जहां भी गए लोग भगवा झंडा लेकर पूरे जोशो जुनून के साथ उनका इस्तकबाल करते नजर आए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान और क्या नारी सम्मान। कोई उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेकरार नजर आया तो कोई उनसे हाथ मिलाने को बेचैन दिखा, कोई तो अन्नामलाई की एक झलक पाने के लिए ही व्याकुल दिखा। तमिलनाडु के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह का अभूतपूर्व जन सैलाब, इस तरह का जन उत्साह और इस तरह का जोशो जुनून इससे पहले शायद ही देखा गया था। आलम यह हो गया कि 28 जुलाई 2023 को रामेश्वरम से शुरू हुई पदयात्रा 7 महीने बाद 27 फरवरी को आखिरी पड़ाव में जब तिरुपुर जिले में अपने 234वें निर्वाचन क्षेत्र पलदम पहुंची तो खुद पीएम मोदी इसमें शामिल होने से अपने आप को रोक नहीं पाए। अन्नामलाई के प्रति तमिलनाडु की जनता की दीवानगी और जोशो खरोश देखकर पीएम मोदी ने तब अन्नामलाई की दिल खोलकर तारीफ की। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस यात्रा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये मंत्र घर घर तक पहुंचाया है। आखिर कौन सा ऐसा जादू है, आखिर कौन सा ऐसा आकर्षण है, आखिर कौन सी ऐसी कशिश है इस नौजवान राजनेता में कि ये पदयात्रा पर अकेला ही निकला और देखते ही देखते विशाल कारवां बन गया।
दरअसल अन्नामलाई ने आर्यन और द्रविड़ियन का मनगढ़ंत ऐतिहासिक भेद पैदा कर दक्षिण भारत के सनातन समाज को दो हिस्सों में बांट देने वाली नफरती फिरंगी सोच और अपने फायदे के लिए उस सोच को आज भी ढोने वाली राजनीतिक बिरादरी को जड़ से उखाड़ देने का बीड़ा उठाया है। अन्नामलाई सूबे की जनता को ये भरोसा दिलाने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि नफरत की बुनियाद पर खड़ी द्रविड़ियन राजनीति सिर्फ कुछ वंशवादी सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचा रही है, जो सत्ता की मलाई काटने के लिए आर्यन और द्रविड़ियन की मनगढ़ंत खाई को इस युग में भी खोदने से बाज नहीं आ रहे। The concept of Dravidian movement has lost its charm because they are not keeping its promise with the original beginner spirit. It has become corrupt, it has become a family oriented, it has become a dynastic oriented. इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्नामलाई के ओजस्वी व्यक्तित्व और तार्किक भाषणों की वजह से तमिलनाडु की राजनीति पहली बार भगवा अंगड़ाई ले रही है। दक्षिण भारत में सिल्वर स्क्रीन के बड़े बड़े स्टार्स का सियासी अखाड़े में उतरकर लहर पैदा कर देने का पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी पुलिस वाले ने खाकी वर्दी उतारकर सफेद खादी पहनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु में 7 दशक पुरानी द्रविड़ियन राजनीति की बुनियाद हिला देने वाले अन्नामलाई को राजनीति के अनजान मैदान में उतरे अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं। 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई महज 36 साल की उम्र में बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके करिश्माई व्यक्तित्व को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने 11 महीने बाद 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु के अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। अन्नामलाई को सूबे का बीजेपी अध्यक्ष बने अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन पूरे तमिलनाडु में भगवा लहर पैदा हो चुकी है। 4 जून को अन्नामलाई का 40वां जन्मदिन है और 4 जून को ही उनके मैराथन प्रयासों के प्रतिफल भी सामने आएंगे। अन्नामलाई के दावों के मुताबिक अगर वाकई तमिलनाडु की जनता ने बीजेपी को डबल डिजिट में पहुंचा दिया तो इसे सूबे के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी करवट मानी जाएगी। अन्नामलाई की जिंदगी कई अहम पड़ावों से होकर गुजरी है। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक किया, उसके बाद आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की डिग्री ली, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, आईपीएस अधिकारी बने और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद जहां भी उनकी तैनाती हुई वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा से मिसाल कायम कर दी। लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अन्नामलाई की 40 साल जिंदगी वक्त के बदलते मिजाज की रहस्यमय दास्तान है। खुद अन्नामलाई की माने तो साल 2018 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा ने ब्रह्मांड की अज्ञात तरंगों से मन के तार को ऐसे जोड़ दिया कि उनके जीवन के मायने हमेशा के लिए बदल गए। काबिले गौर है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी अन्नामलाई पर बतौर आईपीएस ऑफिसर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी थी और 2024 की जंग में कोयंबटूर से बतौर बीजेपी उम्मीदवार उसी अन्नामलाई की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अन्नामलाई बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके एआईडीएमके में चला जाकर उसकी तो जिंदगी बन जाती, तो वो मानना ही नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आत्मा यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है।
सवाल यह है कि 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि अन्नामलाई ने खाकी वर्दी उतार कर खादी पहन ली। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्हें कौन सी गहन आध्यात्मिक अनुभूति हुई जिसने उन्हें टॉप कॉप की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर दिया। इन रहस्यमय सवालों का जवाब जानने से पहले अन्नामलाई की जीवन यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु के करूर जिले के वेल्लाला गोंडर जाति के एक बेहद सामान्य किसान परिवार में 4 जून 1984 को जन्मे अन्नामलाई शुरू से ही जुझारू और कर्मठ किस्म के इंसान थे। अपने गृह जिले के अलावा तमिलनाडु के नामक्कल और कोयम्बटूर जिलों में बेसिक शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोयम्बटूर के PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech किया और उसके बाद बेहद प्रेस्टीजियस माने जाने वाले IIM लखनऊ से MBA किया। लखनऊ में कुछ जगहों पर लोगों की इंतहाई गरीबी देखकर उनका दिल कराह उठा, लिहाजा MBA करने के बाद उन्होंने कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन नहीं की बल्कि लोक सेवा के मकसद से साल 2011 में देश के सबसे प्रतिष्ठित और टफ एग्जाम UPSC को क्रैक किया। अन्नामलाई IAS अधिकारी बनना चाहते थे लेकिन कुछ नंबरों से चूक जाने की वजह से उन्हें IPS कैडर मिला। IPS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में अन्नामलाई ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारियां बताई तो वहां मौजूद सारे लोग वाह वाह कर उठे। लास्टली सर, आई वुड लाइक टू कोट आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, हु वंस मेमोरेबली सेड, टू गिव प्लेजर टू अ सिंगल हार्ट बाय अ सिंगल एक्ट इज बेटर देन 1,000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर, अनकोट। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ अस रियलाइज द एनॉर्मिटी ऑफ द जॉब that is before us. In times to come, we'll be standing for the right of the last man when his or her voice is not heard, shouldering the oppressed when they are wronged, paragons of integrity and trustworthiness ourselves by our actions and deeds, and most importantly, standing for what is right and just, even when we are all alone. पब्लिक मंच पर ऐसी बड़ी बड़ी आदर्शवादी तकरीरें करने की परंपरा रही है लेकिन अन्नामलाई जो कुछ बोल रहे थे अपने दिल के अंतरतम से बोल रहे थे और इसका प्रमाण उन्होंने तब दे दिया जब सितंबर 2013 में कर्नाटक के उडुपी जिले में बतौर ASP उनकी पहली पोस्टिंग हुई। गजब का इत्तेफाक ये है कि साल 2011 में ही अन्नामलाई IPS अधिकारी बने और साल 2011 में ही अजय देवगन की सिंघम फिल्म रिलीज हुई। तब अजय देवगन रुपहले पर्दे पर सिंघम बनकर सिने प्रेमियों का दिल जीत रहे थे और उसी दौरान अन्नामलाई एक ईमानदार, तेज तर्रार लेकिन अत्यंत संवेदनशील पुलिस अधिकारी के तौर पर लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। उस दौरान कर्नाटक में ये सिंघम अन्ना के नाम से मशहूर होने लगे। फिर आया 26 जुलाई 2016 का वो ऐतिहासिक दिन जब उडुपी के लोगों ने SP ऑफिस को घेर लिया। इसलिए नहीं कि पुलिस ने कोई गलती की थी बल्कि इसलिए कि उनके सिंघम का तबादला कर दिया गया था। पुलिस की तानाशाही और जोर जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन तो आम बात है लेकिन कर्नाटक में ये पहली बार था जब किसी IPS ऑफिसर के तबादले को रोकने के लिए जनता प्रदर्शन कर रही थी। और गौर करने वाली बात तो ये है कि अन्नामलाई की जिंदगी में इस तरह के वाकये बार बार पेश आए। हर बार जब इनका ट्रांसफर हुआ लोग आंखों में आंसू और दिल में आक्रोश के साथ तबादले का विरोध करते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नौजवान पुलिस ऑफिसर जहां भी जाता मजलूम पीड़ितों का मसीहा और अपराधियों का महाकाल बन जाता था। रुपहले पर्दे पर एक तेज तर्रार मानवीय और जननायक पुलिस ऑफिसर के किरदार को रियल जिंदगी में बखूबी निभा रहे अन्नामलाई की जिंदगी में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टर्न तब आया जब साल 2018 में किसी अजीब इत्तेफाक के तहत वो भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। शिव के शाश्वत निवास धाम से लौटने के बाद वो व्यापक मानव सेवा के भाव से भर चुके थे। अन्नामलाई ने खाकी वर्दी उतारकर खादी क्यों पहनी, इसके पीछे कई रहस्य हैं। अन्नामलाई कहते हैं कि IPS रहते हुए वो सरकार की ओर से लाइजनिंग ऑफिसर बनकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए और वहां जाने के बाद उन्हें कुछ अद्भुत अलौकिक एहसास हुआ। वहां से लौटने के बाद मन में कुछ ऐसी प्रेरणा जागी कि उन्होंने IPS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बाद में राजनीति का रुख कर लिया।
सनातन धर्म के अनुयायियों में ये मान्यता है कि धरती के परम पावन धाम पर श्रद्धालु तभी जा पाते हैं जब वहां से बुलावा आता है। अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में के अन्नामलाई ने सनातन धर्म की इस मान्यता को बहुत गहराई से महसूस किया है। दरअसल जब वो कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले के एसपी थे तो एक दिन अचानक उनके पीए उनके पास आए और कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार की तरफ से एक लाइजरिंग ऑफिसर नियुक्त होता है, अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। बेमन से ही सही अन्नामलाई ने उस फॉर्म पर साइन कर दिया, लेकिन लाइजरिंग ऑफिसर के तौर पर किसी और का चयन हो गया। पर लगता है कि कैलाशपति शिव ने ये तय कर लिया था कि अन्नामलाई को हर हाल में अपने धाम पर बुलाएंगे। हुआ ये कि जिस ऑफिसर को कैलाश जाना था उसने यात्रा से महज दो दिन पहले कुछ कारण बताकर अपनी दावेदारी वापस ले ली। ऐसे में अन्नामलाई का कैलाश जाने का रास्ता अपने आप खुल गया। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के बाद अन्नामलाई की आत्मा झंकृत हो गई और उन्हें ये अलौकिक अनुभूति हुई कि भगवान शिव ने खुद ही मुझे यहाँ बुलाया है। कैलाश आई फेल्ट इट्स अ कॉलिंग टू मी मैडम, इट्स अ कॉलिंग, इट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग वेयर आई प्लांट अप्लाइड इंटरव्यूड दे सेलेक्टेड मी एज अ लाइसेंस ऑफिसर आई वेंट आई देन इट मेड मी थिंकिंग ओ इट्स अ कॉलिंग सी हाउ द होल प्रोसेस हैपेंड इट इज बिकॉज अ हायर पावर वॉन्ट्स यू टू कम टू अ सर्टन प्लेस Get inspired, get spiritually more open. भगवान शिव के परम धाम से लौटने के बाद अन्नामलाई को शिद्दत से आध्यात्मिक एहसास होने लगा कि आपको लोक कल्याण के और बृहत्तर काम में लगना है। कुछ दिनों तक मन में उधेड़ बुन चलता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उन्होंने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु साउथ के डीसीपी थे, तब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की, मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है, अब आगे का रास्ता तय करूंगा। आगे के लिए अन्नामलाई ने राजनीति के घुमावदार रास्ते को चुना और उस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया तमिलनाडु में, जिसका वजूद नहीं के बराबर था। लेकिन जीवन के अलबेले सफर में मखमली रास्तों का रुख वो करते हैं जिनका आत्मबल कमजोर होता है। सूरमा तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा अदम्य अग्निपथ को चुनता है। बीजेपी ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा और युवा जोशो खरोश से लवरेज इस शख्स का स्वागत करने में देर नहीं लगाई। मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। अन्नामलाई के बीजेपी में आने के बाद तमिलनाडु की सियासत में ऐसा मणिकांचन संयोग बना कि 7 दशक से द्रविड़ियन और आर्यन की नफरती बुनियाद की चूले हिल गईं। जिस राज्य में वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन को पानी पी पी कर गरियाया जाता है, वहां उन्होंने भगवा परचम लहरा दिया है। तो बंदे में है दम में आज आपने तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही दमदार शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।